हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। और फाइनली भाई, हमारा सैमसंग A52s, इसके अंदर वन यूआई 4.0 का अपडेट आया था। और इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सारे चेंजेस के बारे में। और इसको मैंने यार यूज भी कर लिया है एज माय प्राइमरी डिवाइस, सिम वगैरह इंसर्ट करके। तो सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ कि आपको अपडेट करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी तक तो भाई सबने अपडेट कर लिया होगा ऑलमोस्ट, लेकिन सारी चीजें बता दूंगा। और इस फोन का फुल रिव्यू, एक बहुत इन डेप्थ मतलब लॉन्ग टर्म रिव्यू भी चैनल के ऊपर आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना। और अभी आप जैसा देख सकते हो, मैंने अपने A52s के ऊपर ना ये केस लगा रखा है भाई। ये रिंकी का ब्रांडेड केस है, बहुत ही ज्यादा सिक्योरली हाथ में फिट रहता है, ग्रिप वगैरह अच्छी आती है और मिलिट्री ग्रेड की यहाँ पे सर्टिफिकेशन वगैरह के साथ आते हैं केसेस। तीन कलर में मेरे पास ये केस है और भाई मैंने इसकी वीडियो भी चैनल के ऊपर बनाई थी। मैं पर्सनली रिंकी के केसेस यूज करता हूँ, मेरे आईफोन 13 प्रो मैक्स हर्ष भाई जो है हमारे आईफोन 13 पे, वो भी रिंकी के केस यूज करते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ भाई, अगर आप बाय करना चाहते हो अपने किसी भी फोन के लिए तो चेक कर लेना जरूर से। आ जाओ गेमर भाई। तो ये रहे भाई हमारे दोनों फोन A52s और S20 FE 5G। ये क्यों है अभी पता चल जाएगा। तो देखो यार, सबसे पहले लॉक स्क्रीन से हम स्टार्ट करते हैं। तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी वन यूआई 4 में। ये मैंने मॉडिफाई की हुई है गुड लॉक जो एप्लीकेशन आती है ना सैमसंग में कस्टमाइजेशन के लिए, उससे। अगर आपको ये मॉडिफिकेशन पसंद आ रही है ना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना यार, मैं अलग से एक वीडियो भी लेके आ जाऊंगा इस गुड लॉक कस्टमाइजेशन के ऊपर, सैमसंग के फोन को कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले जो वॉलपेपर कस्टमाइजेशन है उसके बारे में बताता हूं। तो एंड्रॉइड 12 का फीचर है कि एंड्रॉइड 12 में कोई भी वॉलपेपर आप लगाते हो ना, उसके बाद मटेरियल यू थीमिंग के अंदर ना आप उसके एक्सेंट को भी चेंज कर सकते हो पूरे यूआई एलिमेंट के अंदर। वैसे सैमसंग ने यहाँ पे फीचर दिया है कलर पैलेट का। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो वॉलपेपर से ना एआई की मदद से ये कलर्स को पिक कर लेता है और आपको यहाँ पे सजेशंस देता है, जिसके अकॉर्डिंगली भाई आप पूरे जो यूआई के जो एक्सेंट्स हैं वो चेंज कर सकते हो। और जो आइकन्स हैं वो भी यहीं पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। और उसके बाद आप देखोगे जो भी आपकी फोन की एप्लीकेशंस होंगी ना, वो सबका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और जहां पे भी एक्सेंट वाली चीजें होंगी, जैसे कि कुछ टॉगल्स हो गए और ब्राइटनेस स्लाइडर हो गया, ये सबका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो वॉलपेपर के अकॉर्डिंगली आप ये चेंज कर सकते हो, बहुत ही कमाल का फीचर है। क्विक टॉगल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी कलर यहाँ पे चेंज हो गया। ब्राइटनेस स्लाइडर जो है ना वो पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक है, जो कि अच्छी बात है। और जो एनिमेशंस भी है ना यार ओवरऑल जो फोन के, वो काफी ज्यादा भाई स्मूथ है। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले से बहुत ही ज्यादा फास्ट लगता है और एनिमेशन ना भाई फास्ट लगते हैं और डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस में बूस्ट यहाँ पे नोटिस हो जाएगा। एक और चीज बता देता हूँ, रॉकस्टार की जितनी भी गेम्स है ना वो इस अपडेट के बाद एंड्रॉइड 12 में सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अगर आप वो प्ले करते हो तो भाई सोच समझ के अपडेट करना। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा कैमरा एप्लीकेशन की, जो सबसे बड़ा चेंज मेरे को यहाँ पे लगा है। तो कैमरा को जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेंगे हमारे हर्ष भाई 13 प्रो मैक्स से वीडियो शूट करते हुए। पहला चेंज आपको यहाँ पे नोटिस हो जाएगा, जो लेआउट है भाई पहले से चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा पॉलिश लगता है, पहले थोड़ा सा लैग शटर वगैरह नोटिस होता था। और रियर कैमरा में अगर आप ये जो लेंसेज स्विच करने का ऑप्शन है ना, अब यहाँ पे एक्चुअल परसेंटेज आपको शो होती है नंबर्स के अंदर। पहले यहाँ पे ट्रीज वगैरह ऐसे शो होते थे। यहाँ पे रिकमेंड भी कर रहा है कि मैक्रो कैमरा यूज करो क्योंकि मैं क्लोज हूँ। यहाँ पे क्विक कैप्चर का भी फीचर था, जैसे हम शटर बटन को होल्ड करते थे तो वीडियो रिकॉर्ड होना चालू हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे कोई ना लॉक करने का ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन अभी आप वीडियोस को लॉक भी कर सकते हो और लेंसेज के बीच में स्विच भी कर सकते हो। फ्लैगशिप फोन है तो अल्ट्रा वाइड में भी स्विच करने का ऑप्शन होता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे 1x और 2x का ही ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही फोटोज भी मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ और फ्रंट कैमरा में भी स्विच कर सकता हूँ। और फिर से बैक करो, यहाँ पे भाई पॉज भी कर लो, फोटो खींच लो, स्टॉप कर लो, फ्लैश वगैरह चेंज कर लो। और ऊपर आपको आइकन भी यहाँ पे आता रहता है भाई कि वीडियो आपके रिकॉर्ड हो रही है और माइक वगैरह एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे इंडिकेटर पूरा आता है। इसमें प्राइवेसी को लेके काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो कभी भी बैकग्राउंड में कोई भी ऐप आपके माइक्रोफोन और कैमरा को एक्सेस करेगी तो आपको ऐसे ही ग्रीन डॉट के साथ और ये आइकन यहाँ पे बना आ जाएगा। तो भाई आप श्योर हो जाना कि कोई भी आपकी चोरी छुपी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है। और देखो जैसे ही आप क्लोज करोगे तो ये वाला जो आइकन है वो गायब हो जाएगा बैकग्राउंड में से। सैमसंग कीबोर्ड के अंदर भी कुछ चेंज किए गए हैं, जैसे कि इमोजी वाले आइकन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एनिमेटेड इमोजीज का ऑप्शन मिल जाता है। जिप्स वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी चीज है यार। यहाँ पे बस आपको होम वाले बटन पे क्लिक करना है इमोजी पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपको इमोजीज देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और मैं इसको रुला सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट करेगा और भाई इसको आप सैंड वगैरह भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सैमसंग कीबोर्ड को यूज करने के लिए, एक और रीजन इन्होंने दे दिया है। और उसके बाद होम स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो विजिट्स काफी ज्यादा कमाल के लग रहे होंगे आपको। आप नए वाले अपडेट के अंदर ना जैसे आप होम स्क्रीन को होल्ड करते हो तो ये आइकन्स यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं और ये बैकग्राउंड है ना यहाँ पे ब्लर हो रहा है। पिछले वाले में ब्लर नहीं होता था वन यूआई 3.1 में। विजिट्स अब आपको वर्टिकल रॉज में देखने के मिलते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल पेज थे यार, बहुत पुराना स्टाइल लगता था। और यहाँ पे जो विजिट्स का भी लेआउट है ना वो काफी ज्यादा तगड़ा है, ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर ही सकते हो। और नोटिस करोगे कि जो कॉर्नर्स वगैरह है ना वो यहाँ पे राउंड कर दिए गए हैं, और ये एंड्रॉइड 12 के अंदर गूगल ने बहुत ही मस्त चीज की है और सैमसंग ने भी मस्त इंप्लीमेंट किया है इसको। अभी ये रिसेंट ऐप ना भाई मैंने कस्टमाइज की हुई है, नॉर्मल वाली ही देखने के लिए मिलती है आपको। ये गुड लॉक से मैंने कस्टमाइज की है, अगेन उसके ऊपर एक वीडियो मैं जरूर से बनाने
की कोशिश करूंगा यार। कॉपी पेस्ट में भी यार एक मस्त चीज ऐड की गई है, जैसे मैंने मल्टी विंडो भी यहाँ पे ओपन की हुई है, ऊपर वेबसाइट है और नीचे यहाँ पे हमारा कीप एप्लीकेशन है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले यार यहाँ पे कॉपी करना पड़ता था फिर यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता था ना, तो लेकिन अभी टेक्स्ट को हम इस तरीके से होल्ड करेंगे और यहाँ पे भाई इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही मस्त फीचर है और बढ़िया तरीके से काम करता है। कभी कभार भाई दिक्कत भी दे देता है ये, एक आधे बार जैसे काम नहीं करता, थोड़ा सा ध्यान से इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ऐसे इस तरीके से देख सकते हो। बाकी पिक्चर इन पिक्चर मोड भी अगर आप यूज करते हो ना, तो भाई उसको जूम इन एंड आउट करके बड़ी भी कर सकते हो। विंडो मेरा भी यूट्यूब प्रीमियम खत्म हो गया, नहीं तो दिखा देता भाई। नोटिफिकेशंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो नोटिफिकेशंस कुछ इस तरीके से आती हैं। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज किया गया, यहीं पे टर्न ऑफ का और सारी अलग अलग नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी एक्शंस आप ले सकते हो वो दिख जाएगा आपको यहीं पे। अगर आप इसको होल्ड करोगे ना तो इस तरीके से देख सकते हो, डिलीवरी और नोटिफिकेशन और बाकी मोर सेटिंग्स में जा सकते हो। लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी छोटी नोटिफिकेशन आ रही है और गैलेक्सी स्टोर अभी भी फालतू की नोटिफिकेशन भेज रहा है, जिसको आप टर्न ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो डार्क मोड का आइकन है वो भी यहाँ पे शायद चेंज किया गया है और इसको जो यूआई में ना और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, ऐसा सैमसंग बोलता है। मेरे को भाई ज्यादा कुछ नोटिस तो हुआ नहीं है। अगर आप यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाते हो तो यहाँ पर आपको ये इमोजी आती है, भाई सारे एक्शंस वगैरह आपको दिखाता है यहाँ पे, डिवाइस प्रोटेक्शन वगैरह, जो भी आपकी रैम स्टोरेज खाली वगैरह है और अपडेट वगैरह के लिए भी यहीं पे दिखा देता है सारी कंडीशन वगैरह, आप ये चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक मेन्यू ऐड कर दिया गया सेफ्टी और इमरजेंसी का, तो ये सारी डिटेल वगैरह आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स तो भाई इस फोन के अंदर आपको मिल जाते हैं 1UI 4.0 अपडेट के बाद। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं यार जो फ्लैगशिप फोन्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। मेरे S20 FE के कंपैरिजन में मेरे को सिर्फ एक अल्ट्रा वाइड पर स्विच करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो बैटरी लाइफ इस फोन की मेरे को पहले से आधे घंटे के आसपास कम लग रही है, उतना ज्यादा नहीं चल रहा है जितना पहले चलता था। लेकिन हाँ, आप मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। और जो अपडेट है काफी ज्यादा स्टेबल है, ऐसे बग्स वगैरह तो देखने के लिए नहीं मिले हैं मेरे को। और मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे वाले फोन के अंदर, इस फोन के अंदर ना पर्टिकुलरली जो नेटवर्क से रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम ना कभी कभार नोटिस होती है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, जब इस फोन के अंदर ये वाला अपडेट नहीं आया था ना भाई, इतने ज्यादा मेजर इश्यूज इस फोन के अंदर हो रहे थे। लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता था, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता था, कॉल तो मिलता ही नहीं था भाई से, ना कॉल रिसीव होता था और ऑडियो भी नहीं रिकॉर्ड करता था ये फोन। अब उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉलिंग में मेरे को एक दो बार नोटिस हुआ है भाई टेस्ट करते हुए कि नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज। लेकिन अगर आपको भी वो इशू फेस हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मेरे को बताना यार, लोगों की हेल्प होगी जो भी ये वीडियो देखेगा। और मेरे को भी पता चलेगा तो मैं डेफिनेटली भाई रीच आउट करूंगा सैमसंग को ट्विटर वगैरह पे, और आप भी भाई टैग वगैरह कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बग्स वगैरह है, जरूर से फीडबैक शेयर करना। बाकी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।